रू ही करने वाली है शादी। जी हाँ दोस्तों, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको ये रिश्ता कहलाता का बहुत ही अमेजिंग और साथ ही साथ आपको ट्विस्ट भरा देखने को मिलेगा। और वही एक तरफ आपको अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली रू ही करने वाली है शादी और शादी के टाइम आने वाला है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। वेल दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर क्या ट्विस्ट आने वाला है शादी के टाइम। वेल हुआ कुछ ये, यानी कि अपकमिंग एपिसोड के अंदर आपको देखने को चाहिए मिलेगा कि फाइनली अरमान जाता है रूही के पास कि तुम शादी कर लो, रिक्वेस्ट करने के लिए कि तुम शादी कर लो, तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाएंगे। तो वही एक तरफ रूही पहले अरमान की बात को टाल लेती है और बोलती है कि मुझे शादी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो वही अरमान बार बार रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो फाइनली रूही को भी अरमान की बात माननी पड़ जाती है और फाइनली शादी के लिए मां जाती है रूही और शादी वगैरह की डेट वगैरह सब चीज आ जाती है। और आने के बाद जिस दिन शादी हो रही होती है उसमें आ जाता है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। वेल दोस्तों, ट्विस्ट ये है कि उस समय आ जाता है रोहित। जी हाँ दोस्तों, रोहित उस टाइम आ जाता है शादी के टाइम और इसे देखने के बाद सभी के हक्के बक्के छूट जाते हैं। वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। वेल रोहित के होते हुए अब रूही की शादी हो रही है। वेल दोस्तों, अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, अब दादी शाह पे कैसे कैसे सवाल उठने वाले हैं। वेल दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है अपकमिंग एपिसोड में और भी क्या क्या ट्विस्ट आ सकते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, देखने वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।